कंटिन्यू विद चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजमेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड क्वेश्चन इज श्री जयप्रकाश हैज अप्लाइड टू यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन सो ट्रायल बैलेंस गिवन है कुछ एडजस्टमेंट गिवन है सो हमने पहले ही फॉर्मेट जो है वो रेडी करके रख लिया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट सो जोन सी आइटम जहाँ जाएगी हम वहाँ लिखते चलेंगे सबसे पहले आपको गिवन है कैपिटल कैपिटल डायरेक्ट हमारी बैलेंस शीट में जाती है सो बैलेंस शीट में हमने लिख लिया कैपिटल हमेशा हम उसको अंदर लिखते हैं क्योंकि इसमें प्रॉफिट लॉस प्लस माइनस अभी होना बाकी है देन इट इज ट्वेल्व परसेंट लोन अगर आप लोन का बैलेंस देखें तो ये डेबिट साइड गिवन है सो लोन डेबिट साइड का मतलब है कि हमने दिया हमने लिया नहीं है किसी से हमने लोन दिया है ठीक है सो so, जब कंपनी किसी को लोन देती है तो उसके लिए एसेट क्रिएट हो जाती है सो so, ये भी हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड जाएगा क्योंकि इसका बैलेंस डेबिट है टेन थाउजेंड ठीक है इस बात का ध्यान रखना है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स डेटर्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिटर का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो ये भी हमारी बैलेंस शीट में ही जाते हैं सो so, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड जाएंगे अमाउंटिंग टू सिक्सटीन थाउजेंड डेटर बैलेंस शीट की एसेट साइड जाएंगे अमाउंटिंग टू फिफ्टीन थाउजेंड मूविंग टू नेक्स्ट परचेजेज एंड सेल्स परचेज हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है ध्यान में रखते हैं रिटर्न तो नेक्स्ट लाइन में आपको रिटर्न भी गिवन है सो so, मतलब परचेजेज भी हैं परचेज रिटर्न भी है सो परचेज so, लिख लिया परचेजेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है माइनस रिटर्न परचेज रिटर्न माइनस सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा रिवर्स होता है तो ये माइनस करके हमारे पास आ गया ट्वेंटी फोर थाउजेंड सेल्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है तो ये माइनस करके आ गया हमारे पास फोर्टी सिक्स थाउजेंड नेक्स्ट है हमारे पास वेजिस वेजेस हमारे लिए डायरेक्ट खर्चा है सो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा टू वेजेस, इसकी एडजस्टमेंट है इसलिए हमने इसको अंदर लिख लिया देन इट इज कैश इन हैंड कैश इन हैंड हमारे लिए एसेट है सो बैलेंस शीट की एसेट साइड जाएगा कैश इन हैंड अमाउंटिंग टू टू थाउजेंड नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन जो ये आपने 12 परसेंट लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस है ठीक है अब इंटरेस्ट मिलना हमारे लिए इनकम है और जितनी भी इनकम्स होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं सो हमने यहाँ एक टोटल कर लिया मतलब ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया बाय वाली साइड लिख लेना है हमने बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये है हमारा ट्वेल्व हंड्रेड इंटरेस्ट ऑन लोन ठीक है इसके बाद है फर्नीचर यह हमारी एसेट है बैलेंस शीट की एसेट साइड जाएगा सो so लिख लेते हैं इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड फर्नीचर अमाउंटिंग टू ट्वेल्व थाउजेंड नेक्स्ट है हमारे पास पैकेजिंग एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस जितने भी परचेज से खर्चे होते हैं वो हमारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं और डायरेक्ट खर्चे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं सो so लिख लिया पैकेजिंग एक्सपेंसिस ऑन परचे दैट इज रुपीज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ड्रॉइंग्स हैं ये हमारी कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी सो so, हमने कर दिया माइनस ड्राॅइंग टेन थाउजेंड माइनस करके अंदर ही लिखा क्योंकि इसमें प्रॉफिट लॉस भी अभी प्लस माइनस होगा देन इट इज मशीन एसेट है बैलेंस शीट की एसेट साइड जाएगा सो बैलेंस शीट की एसेट साइड लिख लिया मशीन थर्टी थाउजेंड नेक्स्ट है कमीशन कमीशन देखिए तो इसका बैलेंस क्रेडिट साइड है सो क्रेडिट साइड है मतलब हमारे लिए इनकम है क्योंकि तो कमीशन मिल भी सकती है हम दे भी सकते हैं सो so, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो मतलब आपको मिल रही है इसकी भी एडजस्टमेंट है इसलिए इसको अंदर लिखेंगे फाइव थाउजेंड देन इट इज डिस्काउंट डिस्काउंट का डेबिट भी है क्रेडिट भी है सो so, मिल भी सकता है दे भी सकते हैं जिसका डेबिट है डेबिट लिख लें जिसका क्रेडिट है क्रेडिट लिख लें सो जो डेबिट है वो डेबिट में लिख लेंगे डिस्काउंट डेबिट थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड बाय डिस्काउंट जो क्रेडिट था उसको क्रेडिट में लिख लिया थ्री हंड्रेड देन इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी होती है सो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड लिखेंगे बैंक ओवर ड्राफ्ट सिक्स थाउजेंड नेक्स्ट है प्रोडक्शन टैक्स प्रोडक्शन टैक्स डायरेक्ट टैक्स है सो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसिज हैं सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं सो so, लिख लिया टू प्रोडक्शन टैक्स नाइन हंड्रेड इसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जब तक फैक्ट्री वर्ड नहीं लिखा जाता है चार्जेस का मतलब होगा कि ऑफिस को स्टेब्लिश करने के लिए खर्चा किया सो so, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं सो so, ये हमने लिख लिया टू एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड देन है बिल्स अ पेबल ये बैलेंस शीट में जाते हैं लाइबिलिटी है सो बिल्स पेबल वन थाउजेंड क्लियर सो जितनी भी आइटम आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन थी हमने इसको एक बार यूज़ करना था हमने इसको एक बार ही यूज़ कर लिया अब हम एडजस्टमेंट में जाते हैं सबसे पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की इलेवन थाउजेंड सो पहली बार क्लोजिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक इलेवन थाउजेंड एक बार ही ट्रेड कर लिया दूसरी बार क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए एसेट होता है सो बैलेंस शीट की एसेट साइड जाएगा इलेवन क्लियर दो ट्रीट होना था दो बारी ट्रीट हो गया नेक्स्ट एडजस्टमेंट है नॉट येट पेड अमाउंटिंग का अभी आपने खर्चा कुछ नहीं पे किया मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे लिए हो गया सो so, एक बार आउटस्टैंडिंग वेजेस अपने वेजेस में जो है प्लस हो जाएगा फाइव हंड्रेड टोटल आ गया थर्टी फाइव हंड्रेड सेकेंड खर्चा था आपने नहीं दिया बट यू हैव टू पे सो हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है सो so, हमने लाइबिलिटी साइड लिख लिया आउटसाइड आउटस्टैंडिंग विज इज फाइव हंड्रेड क्लियर सो दो बड़ी ट्रीट हो गया नेक्स्ट है कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड एट हंड्रेड आपको एट हंड्रेड की कमीशन मिलनी चाहिए थी आपको नहीं मिली सो so, एक रियूड कमीशन होगा एक बार ये क्रूड कमीशन हमने प्लस कर दिया दूसरी बार एक क्रूड हमारे लिए एसेट होता है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड लिख देंगे एक कमीशन 800, सो तीन एडजस्टमेंट थी एडजस्टमेंट को हम दो बारी ट्रीट करते हैं हमने दो बारी ट्रीट कर लिया अब लास्ट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है सो ट्रेडिंग अकाउंट का अगर हम देखें तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है फिफ्टी सेवन थाउजेंड डेबिट साइड बैलेंस कम है सो so, जब बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आती है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड और जिससे हमारी दोनों साइड इक्वल हो गई इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड तो यहाँ जब हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो ये आ गया थर्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड डेबिट साइड बैलेंस कम है तो यहाँ हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट माइनस करके ट्वेंटी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड और हमारी दोनों साइड इक्वल होगी अब ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आया है तो वो हमारी कैपिटल में क्या हो जाएगा प्लस ट्वेंटी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड और ये आ गया फिफ्टी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड बैलेंस शीट का टोटल हमेशा इक्वल आता है अगर लाइबिलिटी साइड देखें एटी 80, थाउजेंड एट हंड्रेड एसेट साइड देखें एटी थाउजेंड एट हंड्रेड एसेट मस्ट बी इक्व टू लाइबिलिटीज क्लियर सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर इन विच वी डिस्कस्ड फुल फ्लैज क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट्स ऑफ चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स